डीटीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि टेक वर्ल्ड की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं डीटीवी इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज प्लेटफॉर्म। हम आ गए हैं एक बार फिर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्नोकर ने आई रॉकर गॉड्स नाम से अपना नया TWS ईयरबड्स लॉन्च किया है इंडियन कस्टमर्स के लिए फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्नोकर आई रॉकर के गॉड्स ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। इन ईयरबड्स का प्राइस 2000 के अंदर रखा गया है, तो हम इसके फीचर्स और क्वालिटी चेक करके आपको बताएंगे कि आपको इन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर सकें। चलिए आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये है स्नोकर के आई रॉकर गॉड्स TWS ईयरबड्स। बॉक्स के साइड में हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है 2x पावरफुल बास, अप टू 24 आवर्स प्ले टाइम, गेमिंग मोड। ये एक नया फीचर ऐड हुआ है स्नोकर के ईयरबड्स में। एंड लास्ट में है इंटेलिजेंट टच कंट्रोल। बैक में भी काफी सारी फीचर्स हाईलाइट्स किए गए हैं। एक साल की वारंटी भी मिलती है, यहाँ स्टैंप आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसके फीचर्स एंड ओवरऑल डिजाइन एंड फील के बारे में। दोस्तों, हमने इसको कर लिया है अनबॉक्स, तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं इसके इनबॉक्स एक्सेसरीज को। ये ईयरबड्स रखा हुआ है इसमें सबसे ऊपर, इसको अभी हम कर देते हैं साइड में और देखते हैं बाकी की चीजों को। बॉक्स में आपको मिलती है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड भी है इसके अंदर। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब ईयरबड्स को हम देखते हैं कि कैसा है। दोस्तों, ये है आई रॉकर TWS ईयरबड्स का मिनिएचर। इसका डिजाइन दोस्तों काफी कॉम्पैक्ट है एंड व्हाइट कलर का ये बॉक्स काफी ज्यादा स्मूथ और ग्लॉसी फिनिश में आता है। पोर्टेबल है ये, तो आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और इसको कैरी कर सकते हैं। वेरी इजी टू कैरी है। सामने की तरफ से स्नोकर के ब्रांडिंग की गई है और उसी के नीचे पावर बटन भी दिया गया है। इस बटन को आप डबल क्लिक करके किसी नए डिवाइस के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं और 10 सेकेंड तक इस बटन को आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो पेयर डिवाइस को आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। माइक्रो चार्जिंग पोर्ट बॉटम में दिया गया है इसमें, तो ये तो हुई चार्जिंग केस की बात। अब इसको ओपन करके देखते हैं ईयरबड्स को। ये है हमारे गॉड्स ईयरबड्स। देखने में ये काफी इंप्रेसिव लग रहा है। इनका डिजाइन थोड़ा यूनिक है। ऑफकोर्स कानों में अच्छे से फिट होने के लिए ये डिजाइन इसको दिया गया है। स्पीकर आगे की तरफ पॉइंटेड है तो साउंड अच्छी तरह से कानों में पहुंचेगी। बाकी इसका साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है तो काफी इजी रहेगा आपको इन्हें पहनने के बाद। एंड 4.2 ग्राम वेट है इनका, तो आपको ज्यादा हैवीनेस फील नहीं होगा कानों में। ये ईयरबड्स दोस्तों IPX5 स्वीट प्रूफ और डस्ट प्रूफ डिजाइन के साथ आता है, तो जल्दी खराब होने के कोई ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा किया गया है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इन ईयरबड्स आपको मिलता है। You just need to open the case and earbuds will automatically connect to your phone. This is a really impressive feature in iRocker Gods TWS. वहीं अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ये ईयरबड्स 13mm डायनेमिक बास बूस्ट ड्राइवर के साथ आता है और हाई फिडेबिलिटी स्पीकर्स भी इनमें है, तो आपको इन ईयरबड्स में अनमैच्ड एंड पावरफुल साउंड क्वालिटी मिलेगी। इन ईयरबड्स को हम अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस पर कुछ सॉन्ग सुनकर देखते हैं और इसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। दोस्तों, इन ईयरबड्स के साउंड बहुत ही इम्प्रेसिव लगा मुझे। बास को आप फील कर सकते हैं एंड हाई वॉल्यूम पर भी साउंड क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलती है। नेचुरल एंड स्मूथ साउंड एक्सपीरियंस हमें मिलता है इस TWS में, जो कि इस प्राइस रेंज के ईयरबड्स में कम ही मिलता है। दोस्तों, बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो चार्जिंग केस में आपको मिलता है 500mAh बैटरी एंड 35mAh ईच का बैटरी सपोर्ट आपको मिलता है दोनों ईयरबड्स में। इस ईयरबड्स को आप 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं और 24 घंटे का प्ले टाइम मिलता है आपको फुल चार्ज हो जाने के बाद। बैटरी सेव करने के लिए इन ईयरबड्स में ATS3015 चिप आपको मिलता है, जो कि लेस बैटरी कंजम्पशन एंड क्विकर एंड स्टेबल कनेक्शन इंश्योर करता है। इंटेलिजेंट कंट्रोल, अब मैं आपको बताता हूँ इसके इंटेलिजेंट टच कंट्रोल फीचर के बारे में। दोस्तों, ईयरबड्स के पीछे की तरफ एक टच कंट्रोल फीचर मिलता है जिसको सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं और डबल टैप करें तो आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हैं। और आप गेमिंग मोड को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको 3 बार टैप करना होगा
और गेमिंग एक्सपीरियंस को भी आप एंजॉय कर सकते हैं इसी TWS से। दोस्तों स्नूकर के ये ईयरबड्स बहुत ही इंप्रेसिव है। मैं इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूं, डिजाइन की बात करूं या फीचर्स की बात करूं, ऑलमोस्ट सभी चीजों में ये ईयरबड्स 2000 तक के प्राइस रेंज में परफेक्टली फिट बैठ रहा है। बैटरी भी आपको सफिशियंट मिल रही है जो कि अच्छा प्ले टाइम देती है। सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इन ईयरबड्स का प्राइस रखा गया है 1999 रुपये और मेरे हिसाब से ये प्राइस ठीक है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। दोस्तों हमारे रिव्यू में स्नूकर के ये आई रॉकर गॉड्स ईयरबड्स पास होते हैं। इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यू विल गेट एन एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक और प्लेइंग गेम्स। द क्रिस्पी साउंड आउटपुट मेक्स इट बेस्ट बाई अंडर दिस कैटेगरी। हम आई रॉकर गॉड्स को देते हैं 5 में से 3 स्टार रेटिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।